आधुनिक भारतीय और मराठी रंगमंच के शिल्पकार विजय तेंदुलकर पिछले 50-55 सालों से निरंतर नाटक लिख रहे हैं। हल्के फुल्के रंजनवादी नाट्य अनुभव से गंभीर ट्रेजिकल यथार्थवादी जीवन अनुभव के प्रति मराठी दर्शकों को अभिमुख कराने का महत्वपूर्ण कार्य विजय तेंदुलकर ने किया है। तेंदुलकर के नाटक ने सिर्फ मराठी रंगमंच को ही नहीं बल्कि भारतीय रंगमंच को एक अद्वितीय ऊंचाई दी है। बदलती स्थितियों से और अपने आप से संघर्ष करने वाला आम आदमी उनके नाटक का नायक है। हिंसा और क्रूरता उनके अध्ययन का विषय है। पिछले कई सालों से वो नाटक लिख रहे हैं। तेंदुलकर सिर्फ नाटक ही नहीं लिखते, वे कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, वो हिंदी मराठी फिल्मों के लिए कथा पटकथा लिखते हैं। अन्याय तथा शोषण के विरोध में वे व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तेंदुलकर के साहित्य और रंग यात्रा को समझने की और उनके विभिन्न रूपों को खोजने की ये एक कोशिश है। आपने पहली कहानी कब लिखी? 20 साल का मैं था, अब मुंबई में आया था नौकरी ढूंढते। वहाँ एक अखबार में मुझे जूनियर सब एडिटर की नौकरी मिली। नौकरी करता था और मेरे जो इमीडिएट बॉस थे वसंत माने करके, और उनके पास एक काम आया, दफ्तर का ही काम था कि हमारे अखबार का दिवाली स्पेशल इशू निकलना था, तो उसका एडिटिंग उनके पास है। अब ये हुआ कि माने ने उस वक्त एक बड़े लेखक वेंकटेश मारगुलकर को कहा था कि कहानी भेजिए, और मारगुलकर जी ने कहा था कि भेजूंगा। अब समझो कि वो इशू पब्लिश होने से पहले आज 7-8 दिन मारगुलकर साहब का पत्र आया कि मैं लिख नहीं सकता। तो माने के सामने एक सवाल उठा कि आप क्या करें। अचानक वो मेरे तरफ देखने लगे, तो मैं थोड़ा अस्वस्थ होने लगा कि ये मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं। तो वो बोले कि तुम क्यों नहीं लिखते। तो मैंने कहा क्या कहानी है? हाँ, मैंने कहा वो मारगुलकर साहब की कहानी आने वाली थी, आपके जगह तो बहुत पहली रखी होगी, तो मैं क्या लिखूँ, मैं तो लिखने वाला नहीं हूँ, कभी कहानी भी लिखी नहीं वैसी। तो बोले लिख तो देखते हैं। कहानी के बाद आपने फिर एकांकी और नाटक लिखना कब शुरू किया? वही कहानी जो 52 में मैंने लिखी। अब ये कहानी में डायलॉग आने लगे, डायलॉग ही डायलॉग आते रहे, जैसे आगे ऐसा होता रहा कि और एक कहानी मैंने लिखी तो डायलॉग आए सब। तो पहली बार मैंने जरा पढ़कर सोचा कि ये कहानी क्यों, ये एकांक क्यों नहीं, इसे कहानी क्यों कहते हैं। तो मैंने उसको एकांक कहा और वो सत्य कथा को भेजा, वो उन लोगों ने एकांक जैसा छापा। आपने मराठी नाटक का ढांचा तोड़ा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? एक तो ये है कि जब मैं मेरा लिखने का वक्त आ रहा था, समझो कि एक 14-15 साल से आगे का, उस वक्त मराठी प्रोफेशनल थिएटर बड़ी बुरी हालत में था। मुझे कहीं भी वो पुराने नाटक अच्छी तरह देखने को मिले ही नहीं, सिर्फ हमारे टेक्स्ट बुक में उनमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स आते थे, वो छोड़ के वो जो हमारी पुराना रंगमंच, उसका असर मेरे ऊपर कुछ हुआ ही नहीं। मेरे नाटकों पर फिल्मों का असर है, नाटक का नहीं। अब ये समझ जाओगे अब तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों अलग तरह के नाटक बन गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल मराठी म्यूजिकल थिएटर वगैरह वगैरह से अलग एक सिनेमा उस वक्त बनता था। गाने भी थे, सब थे, लेकिन एक ढांचा उनका अलग था। जैसे कि मैं कहूँगा मानुष, प्रभात की फिल्म, मानुष का असर मुझ पर बहुत है।
ये फिल्म मैंने देखी, उसमें मुझे पहली बार पता चला कि जो कांस्टेबल है वो कांस्टेबल सरिखा बोलता है, विषय विषय सरिखा बोलती है, हर एक का एक एक्सप्रेशन इसमें आ रहा है। बारकत की नसीब बरोबर बायकांची बरीच माहिती दिसते तुम्हाला, कारभारी मोठे नामे शोधून काढले असेल। नाही म्हणजे? नाही म्हणजे कारभारीनच नाही। संस्कार है तो नाटकों का नहीं है, फिल्मों का ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा संस्कार, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में वो गडकरी होते थे या तो देवल होते थे, वरेदकर होते थे, तो थोड़ा सा असर होता है कि राम गणेश गडकरी के जो संवाद होते थे, डायलॉग होते थे, वो रेटरिकल थे, लंबे लंबे डायलॉग, तो वो एक रिदम पर पढ़े तो बड़े अच्छे लगते थे। बस 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 बस, दुर्दैवाचे दशावतार पाहण्याची आता या कोळ्या सुधाकरांची ताकत नाही। काल रात्री प्यालेल्या दारूची घाण अजून ज्यांच्या तोंडाभोवती घोटाळते आहे, त्यांनी मला दारू सोडण्याचा उपदेश करावा। जोड्याजवळ उभं राहायचं ज्यांची लायकी नाही, त्यांनी जोड्यांनी माझं मोल करावं। चित्त कवडी किमतीच्या कंगालानी पैजारांनी माझी पायमल्ली केली, तिथं सद्गुणी माणसांची सहानुभूती मला कशी काय मिळणार। तो मुझे अच्छी लगती थी वो, मैं अब भी शायद मैं कुछ बोल के दिखा सकता हूँ, इतने है अंदर। तेंदुलकर जी का कंट्रीब्यूशन मराठी नाटक में, या यूँ कह सकते हैं कि भारतीय नाटक में, बहुत ही बड़ा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मराठी नाटक शुरू हुआ था 1843 में विष्णुदास भावे के साथ। वहाँ से काफ़ी अरसे तक जिसको मराठी में सुवर्ण युग कहा गया, उस किस्म के नाटक किर्लोस्कर थे, देवल थे, गडकरी थे, कोलटकर थे, बड़े बड़े नाटककार थे और बहुत अच्छे किस्म के नाटक हुए। जब मराठी की पहली सेंटिनरी हुई थी, जवाहरलाल नेहरू वहाँ मौजूद थे और वहाँ बाहुबन की नाम का खाडिलकर जी का एक नाटक किया हुआ था और पंडित जी बहुत ही इम्प्रेस हुए थे, उनको बहुत वो पसंद आया था। लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई, उसके बाद भी एक अलग किस्म का नाटक हो गया। लेकिन उस दोनों में एक बात कॉमन थी कि वो नाटक नाटकी था, वो जिसको रियलिस्टिक हम कहेंगे, नेचुरलिस्टिक कहेंगे, उस किस्म का नाटक था ही नहीं, वो तेंदुलकर जी ने शुरू किया। इट वॉज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन 1955 बिकॉज आई हैड कम एज अ यंग गर्ल ऑफ 21 फ्रॉम अलकाजी एंड फ्रॉम आडियो मार्जबान, हैविंग लर्न अ लॉट अबाउट न्यू टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड हु डू आई गेट टू वर्क विथ टू ट्राई आउट माई न्यू थिंग्स बट तेंदुलकर। Now, what is it that I learned in Tendulkar? His words were more important when they were unsaid. You know, the unsaid words of Tendulkar the first time ever, because before that we had lots of Marathi theatre, but it was always demonstrative. The style of acting was demonstrative, the style of writing was demonstrative, meaning a person spelt out and said, I am very sad, you know. Tendulkar always said, I'm okay. And you knew that the person was sad. Now this is a new technique and contribution that Tendulkar brought in. Ek pauranik natak ya to aitihasik natak likhne ke liye, उस वक्त के लिए कुछ आपका रिश्ता बनना चाहिए। वो तो मुझे मेरा कभी बना ही नहीं, कारण क्या मुझे पता नहीं, लेकिन आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड आइदर इन माइथोलॉजी और हिस्ट्री टू दैट एक्सटेंट। टेक्स्ट बुक में तो हिस्टोरिकल नाटक के भी एक्सट्रैक्ट्स होते थे,
फिर भी वो असर मुझ पर नहीं हुआ। आप नाटक में संवादों के अलावा ब्रैकेट्स में बहुत कुछ लिखते हैं। ये तो आरोप मुझे मंजूर ही है कि मेरे नाटक में जो विजुअल्स होते हैं वो भी मैं लिखते वक्त सब कागज़ पे उतारता हूँ, और मेरे नाटक में जितने संवाद महत्वपूर्ण होते हैं उतने ही विजुअल्स महत्वपूर्ण होते हैं। कभी पॉजिस का एक महत्व होता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डायलॉग से मेरा नाटक बनता है। मैंने बहुत बार कहा है, कारण को कहा है, एक बार कारण घासीराम करना चाहते थे, उसने वो मराठी परफॉर्मेंस देखा नहीं, वो बोले कि मैं मेरे हिसाब से करूँगा, तो मैंने कहा करो, कब जब जब चाहे तब करो। तो बोलते रहे, हम मिलते हैं तो वो मिलते थे, बोलते थे कि अब सोच रहा हूँ करूँगा करो। बाद में एक दिन कारंत ने मुझे कहा कि अब देखो, मैंने बहुत सोचा, मुझे तो कुछ नई दिमाग में आता है, जैसा आपने लिखा है वैसा ही वो दिखता है, तो आप ही कहो मुझे क्या करूं। तो मैं हंसा, मैंने कहा कारंत को, अब ये नहीं, ये ठीक नहीं, तुम करो ना, मैंने तो कहा है कि करो, जो करना है वो करो। आई फॉलोड हिज स्टेज instructions and I'll say no, because I always feel when brackets a playwright writes his instructions, it's in order to make his intentions, his mood, his notes on the behavior pattern of the character known to the director or the playwright, director or the actors, not for them to follow. You know, I mean, I always feel that if Tendulkar has conveyed everything, his inner thoughts, that is what is in the brackets, to me, it's for me, my responsibility to make it my own. Tendulkar jo kaunse mein likhte hain, uski taraf dhyan dene ka koi zarurat nahi, you know, because Tendulkar's ultimate contribution is in the dialogues, is in the language. And the language itself says what, his dialogues itself say how the play should run. वो जो अकाउंट्स में लिखते हैं कि वहाँ जाता है, बैठता है, उठता है, ऑल दैट इज कम्प्लीटली इररेलेवेंट एंड पीपल कैन इंटरप्रेट इट एज दे लाइक। आई मीन दिस इज ट्रू ऑफ बर्नर्ड शॉ, हु ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दिस इज ट्रू ऑफ पीपल लाइक आद्य रंगाचार्य, हु ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बट दे आर इररेलेवेंट। इन अ गुड प्ले, ग्रेट प्ले राइट, द एक्शन इज इन द डायलॉग, एंड तेंदुलकर रियली ब्रॉट दिस शार्प रेजोनेंट डायलॉग्स इन टू मराठी। विजय तेंदुलकर जी के दो नाटक में मैंने अदाकारी की है, एक तो एक है सखाराम बाइंडर और दूसरा बेबी नाम का एक नाटक था। और लेखकों के बारे में बोलो तो उनकी जो भाषा है, तेंदुलकर की शैली, भाषा संवाद की शैली है, वो बहुत अलग है। कभी कभी क्रियापद पहले ही आ जाता है, अंत में ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आदमी जिस तरह से स्वाभाविक और नेचुरल नैसर्गिक बोलता है, उसी तरह की भाषा में उनके पात्र बोलते थे। और भी बात यह है कि खाली संवाद बोल के भी कुछ नहीं, यानी नाटक में काम करने का समाधान नहीं मिलता, क्योंकि जब तक उस पात्र को अपने में समा के नहीं लिया तो वो पात्र जीवित नहीं होता था। अब ये मेरा लिखने का तरीका है, तो मैं क्या करूं? मुझे एक तो नाटक सिर्फ सुनाई नहीं देता है जब मैं लिखता हूं, मुझे वो दिखता है, रंगमंच पर होता दिखता है। मैं इसलिए सब लिखता जाता हूं कि अब मेरे दिमाग में क्या है, जैसे मैं कैसा देख रहा हूं, ये तो डायरेक्टर के समझ में आना चाहिए, तो ये सब लिखा हुआ है। अब डायरेक्टर को कुछ अलग करना है तो करने दो ना, मैंने कभी ना कहा। मैं क्यों लिखता हूँ ये सब, इसलिए लिखता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या है इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब और कुछ दूसरी तरह से करना चाहता है तो मेरा ऑब्जेक्शन कुछ नहीं।
आपको नेहरू फेलोशिप कब मिली? और नेहरू फेलोशिप का जो मेरा थीम था वो इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ वायलेंस ये था। उसके आगे भी क्योंकि ये एकेडमिक जो बातें होती है वो एक दूसरी दुनिया होती है, तो इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ वायलेंस क्योंकि मैं तो लिखने वाला हूँ, मेरा रिश्ता क्या इस सब्जेक्ट से, तो आगे भी एक एक्सटेंशन था उसको, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। तो लिटरेचर पे तो कोई इम्पैक्ट उस वक्त था ही नहीं, मैंने हाँ कहा। और उसके बाद दो साल मैंने सिर्फ वायलेंस के पीछे में नहीं रहा, जो जो देखना था मैंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखे, मैंने जो देखना था सब देखा, बाबा आमटे के पास बहुत बार गया, देखना था मुझे कुछ देख गया, मैं सब जगह गया। तो ये एक तरह का और एक्सपोजर मुझे मिला जिसका असर मेरे ऊपर बहुत हुआ। इट मेड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन मी, क्योंकि समझो कि क्रिमिनल्स की एक दुनिया होती है, पुलिस की एक होती है, जुडिशियरी की एक होती है, पॉलिटिशियंस की होती है, टेररिस्ट की होती है। तो सिर्फ टेररिस्ट करके मेरे समझ में कुछ आ ही नहीं सकता। अब मैं टेररिस्ट सामने आता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आता है जो किसी एक विषय की शेड्स समझनी चाहिए ना, वो सिर्फ एक ही बात नहीं होती है, वो शेड्स सब शेड्स जो है वो दिमाग में लानी चाहिए, वो देखे बगैर आपको नहीं कभी मिलेगी, कितने भी पद कितना भी पद हो नहीं नहीं होती है वो। यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गेट द इनसाइड पिक्चर। एक तरह से आदमी के बारे में मेरी असली शिक्षा वो दो सालों में हुई। दाऊदला आरती म्हणाला कोण बंदी करता? जाने दो सका तो गप्पा बस, का म्हणून त्यांना आरती नाही म्हणायची? ते मुसलमान आणि आपली अटका पुन्हा बोल। खरं ते बोलते गणपतीच्या पूजेत मुसलमान आजची आरती कशी चालेल? का नाही चालणार, माझी चालते तर त्याची का नाही चालणार? बड़ा एक्सप्लोजन किया, उसमें बहुत सारे लोग मर गए, बच्चे मर गए, तो हम खिलाफ ही रहेंगे, इसके इसका डिफेंस कौन देगा? कोई देगा नहीं। लेकिन उसको मिलो और उसको उससे सुनो जो उसने देखा है, जो वो जिया है खुद, तो मेरे दिमाग में आता है कि ये सब होगा तो उसका फल ऐसा ही होगा ना। ये किसने किया? ये तो उसने नहीं किया, ये सिस्टम ने किया। तो तेंदुलकर जी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ वायलेंस के बारे में नहीं है, एक नया ढांचा मराठी नाटक के लिए तेंदुलकर जी ने हमको दिया, दैट इज हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वी कंसीडर। द वायलेंस वाज ए सब्जेक्ट व्हिच टॉर्चर्ड हिम ऑल द वे, द काइंड ऑफ लाइफ दैट ही हैड टू लिव, द काइंड ऑफ टॉर्चर दैट ही हैज टू गो थ्रू। He faced a lot of violence in his life, and not just physical violence, but mental violence, spiritual violence, and that's why violence became the main theme of his plays. आपने फिल्मों के लिए भी लिखा है, फिल्मों की भाषा नाटक की भाषा से अलग होती है? मेरा अनुभव बुरा है, यानी कि लिखने में मुझे बहुत बार मजा आया, क्योंकि जब मैं लिखता रहा तब डायरेक्टर को मैंने दूर रखा, मैंने कहा कि मुझे पहला ड्राफ्ट करने तो बाद में मैं बुलाऊंगा आपको। तो इट्स लाइक एनी क्रिएशन, इट्स अ डिफरेंट मीडियम, दैट टू इज अ क्रिएशन, इट्स नॉट ओनली क्राफ्ट। पैचवर्क नहीं होता इसमें, इसमें भी एक रिदम होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये सच है कि नाटक और फिल्म का स्क्रीन प्ले ये दो अलग अलग मीडियम हैं, अलग अलग माध्यम हैं, लेकिन जब आप तेंदुलकर जी के लिखे हुए नाटकों को पढ़ते हैं और फिर उनके स्क्रीन प्लेस को देखते हैं तो आपको एक चीज़ साफ ज़ाहिर हो जाती है कि उनका इन दोनों माध्यमों के ऊपर कंप्लीट मास्टरी है।
और फिल्म स्क्रिप्ट में उनकी एक बात और रहती है कि वो बहुत टाइट रहते हैं, उनमें कभी भी एक बेकार की कोई भी सीन, बेकार का एक भी शब्द ज़्यादा नहीं होता। तो उनकी जो टाइटनेस है वो ड्रामा को और भी इंटेंस बना देती है। उन्होंने मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी आघात, उसमें दो ट्रेड यूनियंस, दो किस्म के ट्रेड यूनियंस के कन्फ्लिक्ट की बात थी, लेकिन उस कन्फ्लिक्ट में पिसता हुआ एक वर्कर था जिसकी जो जिसकी एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई, और वो दो यूनियन के बीच में कन्फ्लिक्ट का एक मुद्दा बन गया। एक ऑर्डिनरी वर्कर की जो ज़िंदगी है वो उस तरह से पॉलिटिसाइज हो गई। लेकिन आपको कभी ये देख के, वो पिक्चर देख के ये नहीं लगेगा कि ये फिल्म जो है वो सिर्फ ट्रेड यूनियंस के बारे में है। नहीं, ट्रेड यूनियंस के बैकग्राउंड में एक व्यक्ति की क्या, किस तरह से उसको, उसका इस्तेमाल होता है, उसके बारे में वो पिक्चर उभर के आती है। छोटे लाल की मौत इस बात का जीता जागता सबूत है कि मैनेजमेंट मजदूरों की सुरक्षा का पूरा पूरा ख्याल नहीं रखता है। हमारे यूनियन ने बार बार मैनेजमेंट से सुरक्षा का सवाल उठाया और उन्होंने बार बार वादा किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। आज हम वादा करते हैं कि आगे ऐसा होने नहीं देंगे। सुरक्षा के साधनों का इंतजाम हमारा अहम सवाल होगा। हमारा यूनियन जल्द ही बड़े पैमाने पर इस मसले को उठाएगा। और कोई ये ना सोचे कि छोटे लाल की मौत के बाद उसके मुआवजे के मसले को हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि द स्क्रीन प्ले इंक्लूडिंग द स्टोरी इज मोर ऑर लेस अ बेस फॉर द डायरेक्टर टू क्रिएट हिज ओन फिल्म। आप उपन्यास की तरफ क्यों मुड़े? I've always been fascinated by fiction. उपन्यास के बारे में मुझे, और मैं समझता था कि जो नाटक लिखता है उसके लिए तो यह नहीं आसान बात नहीं, मैंने कभी अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो ये अटेम्प्ट एक पहली कादंबरी एक जिसका टाइटल है, वो अटेम्प्ट जो मैंने किया वो शायद इस मूड में किया। और दूसरी बात यह है कि मेरा मीडियम का डेफिनेशन जो है थोड़ा उसके पीछे हट है थोड़ा, कि नाटक ऐसा होना चाहिए जिसका उपन्यास नहीं बने या तो फिल्म भी नहीं बन सकती। उपन्यास ऐसा होना चाहिए जिसका नाटक नहीं होगा, वो उपन्यास एक एक माध्यम का बल होता है। तो मुझे ये ढूंढना अच्छा लगता है। विजय तेंदुलकर का पहला उपन्यास कादंबरी एक मेरी राय में एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है, और एक नाटककार उपन्यास की ओर जब आ जाता है, नाटक की सारी, नाटककार की सारी शक्ति लेकर के, तो शैली की दृष्टि से कितने, कितनी समृद्ध वो बन जाती है इसका एक प्रमाण है। कुल मिलाकर के इस उपन्यास को पढ़ते समय लगता है कि भारतीय परिवार व्यवस्था पर, खास करके उच्च मध्यवर्गीय परिवार व्यवस्था पर अनेक प्रकार के आघात हो रहे हैं, और इसमें केवल स्त्री जो है वो आज भी मूल्यों के प्रति समर्पित दिखती है। उनका दूसरा उपन्यास कादंबरी दोन मेरी राय में उनका मराठी में एक श्रेष्ठ उपन्यास माना जाएगा। क्या आप अभी लिखना नहीं चाहते? नहीं, लिखना नहीं, ऐसा तो कहता रहता हूँ और लिखता भी हूँ, जो जितना जल्द पहले होता उतना जल्द नहीं आजकल लिखना होता, लेकिन लिखता हूँ, क्योंकि लिखना शायद मेरी मूलभूत ज़रूरत होगी। सो आई कैनॉट लिव विदाउट राइटिंग। मे भी मैं ये समझता था कि अब समझो एक दिन लिखना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और ये भी मैंने कहा है कि आई डोंट लिव फॉर राइटिंग, आई लिव फॉर, जो जीना है वो प्रायोरिटी है पहली। मैं लिखता रहूँगा और बच्चे खेलते, मैं लिखना छोड़ के बच्चों के साथ खेलूँगा।
तेंदुलकर इज द बेस्ट प्ले राइट ऑफ द लास्ट 1000 ईयर्स, मतलब यही था कि तेंदुलकर इज द बेस्ट प्ले राइट ऑफ द लास्ट 150-200 ईयर्स, क्योंकि नाटक लिखने की प्रथा जो है, जो संप्रदाय है, वो बहुत रिसेंट है इंडिया में, 150 साल से पुराना तो नहीं है. एंड ऑफ ऑल द प्ले राइट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड सिंस द मिड 19th सेंचुरी, आई थिंक ही इज द मोस्ट पावरफुल. लेकिन ये भी है कि लिखने बैठता हूँ तो एक अलग तरह का आदमी होता हूँ. समझो, मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि मोदी के बारे में मुझे बहुत नफरत है, उसके कारण है, व्यक्तिगत तो कुछ नहीं. लेकिन समझो को मोदी के बारे में मैं लिखने बैठूंगा, नाम मोदी तो नहीं लूंगा, बट दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. उससे भी बड़ा उदाहरण देता हूँ, स्टालिन के बारे में लिखना है मुझे. स्टालिन तो ही वॉज अ ब्रूट फोर्स, कितने लोग मारे उसने, किस तरह से मारे, सब मुझे पता है क्योंकि मैंने उनकी बायोग्राफी सब पढ़ी है. लेकिन स्टालिन के बारे में लिखने बैठूंगा तो ये नहीं लिखूंगा, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट मैन, आई वुड लाइक टू प्रोब इन टू द माइंड. माई चैलेंज जब लिखूंगा तो इसका आह्वान मेरे सामने ये रहेगा कि इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए क्या है.